Hey viewers, I'm Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, economics के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. हम लोग economics को पढ़ते क्यों हैं? Economics की स्टडी हम क्यों करते हैं? आप लोग क्या जानते हैं? History की स्टडी हम क्यों करते हैं? हमें past का पता लग सके. But economics की स्टडी हम क्यों करते हैं? Economics की स्टडी हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हमें मनी की यूटिलाइजेशन का पता लग सके. जो मनी है उसको हमें किस एरिया में सेव करना है और किस एरिया में स्पेंड करना है इसका हमें पता लग सके. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ये हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से पता चलता है. सो हम आगे पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स. हम लोगों ने कहा कि हम इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं. हमारे पास एक और भी बात है, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. ये आप भी जानते हैं कि आज के टाइम में रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड हैं, बट बॉन्ड्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं. अनलिमिटेड बॉन्ड्स को किस तरीके से पूरा किया जाए ये हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी से पता लगता है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको उनकी हेल्प से अनलिमिटेड बॉन्ड्स को किस तरीके से पूरा किया जा सके. टुडे वी आर डिस्कस क्लास 9th चैप्टर इकोनॉमिक्स चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. आज हम लोग क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर में हम लोग एक केस स्टडी से ये जानेंगे कि एक विलेज जो है उसमें एक विलेज की केस स्टडी से हम लोग ये जानेंगे कि विलेज के लिमिटेड रिसोर्सेज से हम किस तरीके से विलेज के लोगों की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं. ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे, राइट? इस चैप्टर में हम लोग ये भी जानेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से साथ लाया जा सकता है. गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको हमें प्रोड्यूस करना है, उसके लिए रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, बट उनको एक साथ कैसे लाया जा सके और हमारी गुड्स की प्रोडक्शन अच्छे से हो सके ये भी हम लोग इस चैप्टर में आज जानेंगे. इस चैप्टर में हम कुछ एग्जाम्पल से ये पढ़ेंगे कि एक विलेज के अलावा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज कैसे किया जा सके. हम इस बात से तो एग्री करते हैं कि अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए मनी अर्न करना बहुत जरूरी है. मनी की जो नीड है वो कोई और चीज फुलफिल नहीं कर सकती. तो बेसिक नेसेसिटी के लिए मनी अर्न करना जरूरी है. इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि पालमपुर विलेज के लोग कौन कौन सी जो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसको यूज करते हैं, किस तरीके से मनी अर्न करने के लिए प्रोडक्शन एक्टिविटीज को यूज किया जाता है और कौन कौन सी प्रोडक्शन एक्टिविटी को वो काम में लाते हैं. इस चैप्टर में हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे इंट्रोडक्शन लेवल, सेकंड इंट्रोडक्शन टू विलेज पालमपुर, राइट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, फार्मिंग इन पालमपुर, किस तरीके से फार्मिंग की जाती है पालमपुर में, नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर, ये टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे. द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. हम लोग काल्पनिक विलेज है उसकी केस स्टडी के बारे में बात करते हैं. और ये जो हाइपोथेटिकल जो स्टोरी है, जो विलेज है, हाइपोथेटिकल विलेज है, इसके बारे में बात करेंगे. और हाइपोथेटिकल विलेज कौन सा है, ये काल्पनिक विलेज कौन सा है,
पालमपुर। यस, आज हम लोग पालमपुर की केस स्टडी करेंगे। सो आप लोग जानते हैं क्या, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। जो मेन एक्टिविटी है पालमपुर की, फार्मिंग ही मेन एक्टिविटी है पालमपुर में। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज फार्मिंग के साथ साथ और मेन एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। फार्मिंग जो है वो तो मेन एक्टिविटी है, बट ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये भी इसके साथ इंक्लूड होती हैं। सेकंड पॉइंट, दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये जो एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, इनको वेरियस वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत होती है। कौन से हैं ये रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैनमेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एटसेट्रा। तो हम लोगों ने ये जाना स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में कि किस तरीके से जो पालमपुर के विलेज, जो पालमपुर विलेज है उसकी स्टोरी जो है उसके हेल्प से हम लोगों ने क्या जाना कि हाउ वेरियस रिसोर्सेज आर कम टूगेदर राइट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज को साथ में लाया जाता है। हमने सिर्फ अभी दो ही पॉइंट पढ़े हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन लेवल था जहां हमने पढ़ा कि एक तो विलेज पालमपुर की फार्मिंग एक्टिविटी जो है वो मेन एक्टिविटी है, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स और जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी उसके साथ साथ इंक्लूड होती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या जाना कि हमें गुड्स और सर्विसेज की जहां ऊपर प्रोडक्शन है, मैंने बताया आपको गुड्स सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज को किस तरीके से साथ लाया जाता है, इसको आगे डेप्थ में हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे राइट। सो व्यूअर्स, आगे आप लोग देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को क्लिक कर सकते हैं और आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, वहां से आप बाकी जो पार्ट्स हैं इसके वो देख सकते हैं। सो व्यूअर्स, आप लोगों को अगर अच्छा लगा आप लोग प्लीज मोटिवेट करते रहें और मेरे चैनल में रेड कलर का जो आइकन है, सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्लीज क्लिक करें ताकि आपको सारे जो नोटिफिकेशंस हैं, एक बेल आइकन भी है उसको भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और हम लोग इसी तरीके से आगे साथ जुड़े रहें। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।